एलर्जिक आना होगा, और इसका जो टिकट है वो 65 ले रखा है मैंने जो पढ़ा है 65 ले का। और यहाँ पर आने के लिए जहाँ सफाई सुथराई नहीं है, हर जगह साफ सुथरी है। सबसे पहले ये हलीमा की कब्र है, और ये हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, और ये कुछ लिखा है तुर्किश राइटिंग में, और स्टिल आई कैन स्पीक तुर्किश सो आई एम नॉट एबल टू रीड। चले अंदर चलते हैं, और ये पूरा इनका एरिया है, बाग बना हुआ है, और बहुत सारी यहाँ पर और भी खबरें हैं। अंदर चलते एक खबर ये भी है, किसी बच्चे की है ये। अंदर कैसे जाना है, मौसम बड़ा प्यारा है, ये पूरा एरिया इनका कवर किया हुआ है इन्होंने, कवर मज़ार शरीफ के आते में इनके दूसरे जो साथी थे इनके कायल कबीले के, उन सब की कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। चले आगे चलते हैं, देखते हैं, ये भी कब्र है, और सारी कंस्ट्रक्शन पुरानी है लेकिन फिर भी बहुत साफ सुथरा है। यहाँ पर आना, कोई भी जगह से ऐसा नहीं लगता कि कोई किसी भी तरह की सफाई ना हो, हर तरह की साफ सफाई सुथराई है। ये देखिए दूसरी कब्रें भी मौजूद हैं, जो इनके तमाम से सिपहसालार थे, जो इनके तमाम दोस्त अहबाब थे, जिनके ड्रामों में भी आपने इनके मुताबिक देखा है। अब अंदर जाने का आई थिंक कोई टिकट नहीं है, ये फ्री एंट्री है, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है अंदर जाने के। कहाँ से जाना है ये हमें उसने बताया कि इस वाले गेट से आप अंदर जाएं, और अंदर जाने के लिए मैं चाहूँगी कि हम खामोश हो जाएं और वहाँ जाके अंदर कुरान फातह खानी करें, और यहाँ पे तिलावत हो रही है तो मैं चाहूँगी कि खामोश रहूँ, सिर्फ आप लोग अंदर की ज़्यारत करें। और अंदर जाने के लिए शूज़ आपको उतारने हैं, ठीक है, और इनके गार्ड भी खड़े हैं। चले अब अंदर चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंदर की तरफ चलते हैं। जी मैं आपको दूसरी वीडियो में गार्ड की परेड दिखाऊंगी, और इनकी जो जैसी चीज़ें वो भी दिखाऊंगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।